बच्चों की तरबियत कैसे करें? क्या आपका बच्चा हर वक्त आपसे अटेंशन मांगता है? अगर बच्चा जो है वो बार बार से जिद करता है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? बच्चों की तरबियत में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? इस वीडियो में हम बात करते हैं इसी टॉपिक। This is me, Fatiha Ashraf, मैं कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बच्चों की तरबियत के हवाले से। अगर बच्चों की तरबियत पे बात करें या बच्चों के रवैये पे बात करें तो मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों के रवैये में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हैं। अगर हम पहले और आज के दौर के साथ जो है वो कंपेरिजन करें तो देखा जाता है कि वीडियो गेम्स की वजह से बच्चों के बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। बच्चे जो हैं वो बात नहीं मानते, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो पबजी की वजह से अक्सर एग्जांपल्स भी सामने आई है कि बच्चों ने अपनी मतलब किसी सिस्टर को भी मर्डर कर दिया था और अपनी मदर का भी, क्यों? फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर की वजह से। ये वीडियो गेम्स जो है ये एक्चुअल में आपके माइंड को जो है वो कैप्चर करती हैं, जिसकी वजह से बच्चों में जो है वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, उनमें एग्रेशन बढ़ जाता है। इसीलिए मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चों को कम से कम दे। बच्चों की अच्छी और बुरी आदत के पीछे हमेशा वालिदैन का हाथ होता है, क्योंकि वालिदैन ही वो वह शख्सियत हैं जो बच्चों की पर्सनालिटी को बिल्ड भी कर सकते हैं और उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों की पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए हमेशा उन्हें पॉजिटिव तरीके से ही जो है वो इन्हेंस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बच्चों की तरबियत में आ जाती है वो है बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाएं, उन्हें रिस्पेक्ट के बताएं कि उन्हें किस तरह दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। आजकल के बच्चों में एहसास नहीं है, एहसास की कमी है। वो क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो अपना ज़्यादातर टाइम मोबाइल फ़ोन के साथ गुजारते हैं और मोबाइल फ़ोन एक बेहिस डिवाइस है। जब वो उसके साथ रहते हैं तो बच्चे उस जैसा बन जाते हैं। इसीलिए अपने आप को और अपने बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, उनको प्ले थेरेपी की तरफ लेके आए, उन्हें डिफरेंट जो है वो छोटी छोटी टेक्निक के बारे में बताएं, शेयरिंग के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि उन्होंने लाइफ में किस तरह एक अच्छा शहरी बनना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएं कि किस तरह उन्होंने रूल्स को फॉलो करना है। अपने बच्चों को एक पैम्परिंग चाइल्ड मत बनने दें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच।